मेरी चिंता छोड़ दे, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री व सांसद गिरिराज सिंह भागलपुर में अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और हिंदुओं को जगाने, हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते करते अचानक मुसलमानों पर भड़कते हुए गिरिराज सिंह दिखे हैं। हालांकि उनकी यात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने ही खुद को दरकिनार कर दिया। बीजेपी का कहना है कि इस कार्यक्रम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है। बावजूद इसके गिरिराज सिंह आज से भागलपुर और भागलपुर के साथ साथ तमाम जो सीमांचल के इलाके हैं इन इलाकों में घूमेंगे। हालांकि पप्पू यादव और गिरिराज सिंह के बीच इसी मामले को लेकर तकरार भी होता हुआ दिखा है। आइए सुनाते हैं गिरिराज सिंह भरे मंच से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। भाई भाई को एक करने का जो बोर्ड के सौदागरों की को नजर न लगे, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कांग्रेस के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना, जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे जरा वो हाथ उठाएं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।